सुरों की कोकिला। लता मंगेशकर म्यूजिक की दुनिया का एक पूजनीय नाम है। लता मंगेशकर ने जब भी कोई गाना गाया अपनी आवाज से जादू चलाया। उनकी आवाज में ना जाने कैसी कशिश थी जो सुनने वाला सुनता रह जाता था। पिछले कई सालों से वो म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज कर रही थी, पर आज भी उनसे जुड़ी कई बातें ऐसी हैं जो लोगों को पता तक नहीं है। जैसे कि उनके नाम की हकीकत ही ले लीजिए, लता मंगेशकर का असली नाम क्या था? लता मंगेशकर के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, पर आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें उनके नाम से जुड़ी असली कहानी पता होगी। असल में गायिका के नाम का किस्सा भी उनकी तरह दिलचस्प था। लता का असली नाम कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर था। लता मंगेशकर के पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। उनके पिता मराठी थिएटर के मशहूर एक्टर और नाट्य संगीत म्यूजिशियन थे, इसीलिए संगीत की कला उन्हें विरासत में मिली थी। कहते हैं कि लता जी के पिता को अपने पिता से पक्ष से ज्यादा माता पक्ष से लगाव था। दीनानाथ की माँ येसुबाई देवदासी थी। वो गोवा के मंगेशी गाँव में रहती थी। वो भी मंदिरों में भजन कीर्तन कर जिंदगी का गुजारा करती थी। बस यही थे दीनानाथ को मंगेशकर नाम का टाइटल मिला। जन्म के समय लता जी का नाम हेमा रखा गया था, पर एक बार उनके पिता दीनानाथ ने भावबंधन नाटक में काम किया जिसमें एक फीमेल कैरेक्टर का नाम लतिका था। लता जी के पिता को ये नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने जल्दी से ही अपनी बेटी हेमा का नाम बदल कर लता रख दिया। ये वही छोटी हेमा है जिसे पूरी दुनिया आज लता मंगेशकर के नाम से जानती है। गायकी के दम पर जीत चुकी थी कई अवार्ड। संगीत की दुनिया में लता जी एक बड़ा नाम है और यहाँ आने वाले हर शख्स उन्हें देवी मानते हैं। अपनी गायकी के दम पर उन्हें बड़े अवार्ड से नवाजा गया था। लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के और भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अपने सिंगिंग करियर में उन्होंने कई सदाबहार गाने गाए थे जो हमेशा ही म्यूजिक प्रेमियों के फेवरेट बने रहेंगे। संगीत की दुनिया में कितने ही गायक आएंगे जाएंगे, लेकिन लता जी जैसा ना कोई था और ना कोई होगा। बेशक आज लता जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हमेशा सबके दिलों पर राज करेंगी। उनके गाने हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए।